आठ नौ दस बाइकर्स हैं अभी। मज़ा हेयर कट है भाई, सॉरी हाँ डिस्टर्ब किया तेरे को, सो रहा था। शीशा है, शीशे से बेडरूम दिखता है, इसके पीछे क्या राज है मेरे को पता नहीं। तो दोस्तों कैसे हो, बढ़िया ही हो गया। अभी तो मिले थे तो भैया पकोड़े चल रहे हैं यहाँ पे, मस्त अपने मिक्स पकोड़े और चाय, आई थिंक ये काफ़ी होगा और काफ़ी कार्ब्स होंगे इसमें, काफ़ी एनर्जी होगी। हाँ पता है इसमें काफ़ी फैट भी होगा, पर कोई बात नहीं, कभी कभी ट्रिप पे आते हैं चलता है। बट एनीवे यहाँ पे चाय और ये इन्जॉय करेंगे, और मुझे लगता है कि वो आगे निकल गए, उसके बाद वापस उनको पकड़ना पड़ेगा। एंड आई कांट वेट कि वहाँ पे पहुँचने पे ना, जब पहुँचेंगे वहाँ पे इतने सारे होंगे ऑल ओवर इंडिया, सबसे मिलेंगे, बातें होंगी, आई कांट वेट, यू नो इट विल बी फन। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाय आ गई हमारी। मिक्स पकौड़ियाँ हैं इसमें, अच्छी वैरायटी है यहाँ पे, गोभी है, आलू है, प्याज है, मिर्च है, पालक है, तो अच्छी वैरायटी है। मिर्च तो देखो भैया मैं खाता नहीं हूँ, मेरा बहुत ही मामला ख़राब है मिर्च को लेके, और मेरी जो फेवरेट है वो मेरे को गोभी और प्याज, वो मेरी फेवरेट है पकौड़ी। चलो भैया पकौड़ी हो गई, चाय हो गए, हवा सही है चार्जिंग पर। चेक 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 चेक, अब गर्मी हो गई है दोस्तों। हाँ तो मैंने कोई स्वेटर नहीं पहन रखा है अभी तो, ना कोई इनर है, जस्ट ये मेरी राइडिंग जैकेट है, पर उसका इनर मतलब जो उसका वार्मर आता है राइडिंग जैकेट का, वो लगा रखा है। और ये वेंट वेंट भी बंद है अभी, क्योंकि सुबह ठंडी हवा चल रही थी, तो ये अभी खोल दूंगा, पर अभी पहले थोड़ी देर चलते हैं, उसके बाद इसे खोल ही लेते हैं जब रुके हैं तो। बाकी भैया अभी चल रहे हैं आगे, और अम्बाला आएगा वहाँ पे सब मिलेंगे। तो ये कुछ अपने महाराष्ट्र के पुणे के अपने राइडर्स मिल गए हैं रास्ते में। ओके तो कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी, एनीवे मैं ऐसे ही रुका था अभी अम्बाला से पहले, तो अभी हम अम्बाला में नहीं रुक रहे हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो मुंबई का गैंग है, अभी आपको रास्ते में दिखाया था शायद, थोड़ा सा कैमरा उस टाइम पर चला था, तो वो सब भी मिल गए हैं बाय द वे ऑन द वे। तो हम सब अब एक ढाबा है पाल ढाबा, आई थिंक यहाँ से 60 किलोमीटर है अम्बाला के आगे, वहाँ पे सब मिलने वाले हैं, सो मुंबई गैंग के साथ। सो मुंबई इज़ द नेक्स्ट, मतलब दिल्ली एनसीआर के बाद मुंबई इज़ द नेक्स्ट बिगेस्ट गैंग, और यू विल से द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वो कमिंग फ्रॉम वन प्लेस इज़ लाइक मुंबई। ओके लेट्स गो चेक 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 लेट्स गो। ये मध्य प्रदेश से है ये वाली वर्सेस MP 04। ये हमारे साथ सुबह दिल्ली में साथ हमने कॉफ़ी पी थी, वो अपना आई थिंक धीरे धीरे चलते हैं थोड़ा।
सबको अपने हिसाब से चलना चाहिए भाई, कोई किसी की कॉपी नहीं। वो तेज चलता है तो मेरे को तेज चलना है, वो स्लो चलता है तो मेरे को स्लो चलना है, ऐसे ऐसे तो कभी होता नहीं है कि वो स्लो चलता है तो मेरे को स्लो चलना है। पर एनीवे ज़्यादातर 99% यही होता है कि भाई तेज जा रहा है तो भाई भी तेज जाएगा। नहीं भाई ऐसा नहीं, ना ना, सबका तेज की डेफिनेशन भी अलग होती है। अपने हिसाब से चलो, जहाँ तुम कंफर्टेबल हो, जहाँ पे यू नो यू फील गुड हैप्पी एंड नॉट स्ट्रेस्ड। जैसे मैं बहुत देर से अच्छी स्पीड पे चल रहा था, अब मेरा मन है कि थोड़ा भाई लोगों के साथ हम साथ साथ चलें वाली फील भी ले लें। तो अब जो ग्रुप की स्पीड है इतने पे भी सब चलते हैं, उसी पे मेंटेन करेंगे। तो अभी 360 भी चल रहा है और अभी ये भी चल रहा है। 360 मैंने इसलिए चलाया क्योंकि जब बाइक आगे पीछे क्रॉस हो जाती है ना कभी कभी, मतलब लेफ्ट से जा रही हैं राइट से जा रही हैं, तो 360 से कभी कभी अच्छे शॉट्स आ जाते हैं। ये तो सिर्फ सामने ही देख रहा है, कभी कभी क्या होता है कि जब आप ओवरटेक करते हो तो लेफ्ट से राइट से निकल जाते हैं पीछे। 360 इज गुड कैप्चर दो शॉट्स। ऑरेंज जूस ब्रेक, रुक रुक के फन करते हुए चलो। पियो 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 आप पियो। अरे अरे मैं वीडियो थैंक यू। तो दोस्तों जूस पी लिया वहाँ पे, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे, वो बात अलग है कि हमें पहाड़ों के डीप 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 इनसाइड नहीं जाना है, पर स्टिल पहाड़ तो पहाड़ है। भैया जी पहाड़ आ गए फाइनली आपके सामने, दिख सकते हैं छोटे छोटे पहाड़, उसके पीछे बड़े, उसके पीछे और बड़े, और उसके पीछे तूफानी। सो फाइनली हम पहाड़ों के पास पहुंच गए हैं, करीबन 264 किलोमीटर घर से, 5 घंटे, 5.5 घंटे करीब, 5.5 घंटे में हम 262 किलोमीटर। ये लेफ्ट में यहाँ से पिंजौर है, पिंजौर में बड़ा फेमस गार्डन है, पिंजौर गार्डन के नाम से आपने सुना होगा सीधे शिमला। पहले जो रास्ता था वो पिंजौर होते हुए होता था, अब स्ट्रेट एक हाईवे बन गया, आई थिंक उसको हिमालयन हाईवे या कुछ तो बोलते हैं, वो स्ट्रेट उसको बाईपास कर दिया पूरा आई थिंक। और कालका भी इधर ही पड़ता था आई थिंक, उसको भी बाईपास हो गया। बहुत भीड़ रहती थी, बहुत ज़्यादा सुपर भीड़ इस रास्ते से। फिर अब ये स्ट्रेट जो जा रहा है ये हाईवे बना था, इससे बहुत लाइफ आसान हुई थी। पहाड़ों में सोचा ही मैंने एक टाइम बाद ऐसा आएगा कुछ, पता नहीं कितने सालों सालों बाद, कि पहाड़ों पे भी इंटीरियर में भी ऐसे 4 लेन हाईवे हुआ करेंगे, क्या बोलते, मज़ा आएगा। हर जगह अगर 4 लेन हाईवे है सब फटाफट पहुंच जाएंगे। पता है जब हाईवे होता है ऐसी जगह पे, चलो वो तो है, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई इतना डेवलपमेंट एकदम इंटीरियर में नहीं होना चाहिए, फिर वो जो वहाँ का एक कहते ना एक नेचुरल एक चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ज़्यादा टूरिस्टी टाइप हो जाता है और भीड़ भाड़, मतलब
ख़राब रास्ते हैं तो थोड़ा लोग कम जाएंगे तो वहाँ की ब्यूटी थोड़ी बची रहेगी। और एक और भी चीज़ है कि अगर अच्छी रोड होती है ना, जैसे पहाड़ों में अच्छी रोड है बहुत, तो आप थोड़ी नेचुरली तेज़ स्पीड पे चलते हो, और थोड़ी तेज़ स्पीड पे चलते हो तो नेचुरली आप उधर उधर ध्यान नहीं दे पाते हो ज़्यादा। और वही अगर रोड थोड़ी सी ख़राब है या उतनी चौड़ी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा धीरे धीरे चलते हो तो थोड़ा उधर उधर भी नज़ारे देखते रहते हो, यू नो, थोड़ा मन चलता रहता है। पुराने हाईवे पे जाके मिल गए हैं, पुराना हाईवे था वो ऊपर से आता है। थोड़ी पहाड़ी रोड एंजॉय कर लो मेरे साथ, लेकिन नहीं, पर ज्यादा नहीं, बुलाती है पर जाने का नहीं। यो भैया, हिमाचल में पेट्रोल भरवा रहे हैं यहाँ पे 79। अरे क्या बात है, यहाँ तो 80 रुपये से भी कम है, 6 रुपये कम है, मतलब यूपी से। ये कितने में डलता है, 1 लीटर बॉटल इज इनफ टू ट्रीट अप टू 20 लीटर ऑफ पेट्रोल। ये है बेसिकली पेट्रोल टैंक का फ्यूल इंजेक्ट एंड वॉल क्लीनर क्लीन्स द एंटायर पेट्रोल इंजेक्शन सिस्टम। तो ये मैं कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ, 450 रुपये गए इससे, जो आपका जो मैंने आपको बताया फ्यूल इंजेक्शन वॉल क्लीनर, बस 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 काफ़ी है। कितना हो गया, 1472। ठीक है, कार्ड से है? कार्ड से? हाँ कार्ड से। ये फेंक दोगे भैया कहीं? क्या हुआ? खाने के लिए रुके थे, नॉन वेज नहीं मिल रहा तो आगे जाएंगे 12 किलोमीटर बाद मिलेंगे। अरे 40 मिनट में तो कसौली पहुंच जाएंगे। और 12 किलोमीटर पे नॉन वेज वेट कर रहा है। 12 मिनट 12 किलोमीटर पे 12 किलोमीटर चलो चलो चलो, वहां पे चिकन नाच रहा है। तो फाइनली अब मेरे आगे उल्लास चल रहा है, पूरे ट्रिप में पहली बार हुआ अभी इस वाले में कि उल्लास मेरे आगे सिक्किम याद आ गया। अभी मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, मतलब 40 की स्पीड पे हूँ, थोड़ा तेज़ चल सकता हूँ, रोड अच्छी है, पर एक्चुअली में मैं इंजॉय कर रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ, धीरे धीरे ऊपर जा रही है अपनी अंग्रेज़ों के ज़माने की शिमला वाली ट्रेन, और ऊपर से अभी इसका एक फाटक भी आता है, दो जगह आता है आई थिंक, दो जगह, हाँ शिमला तक। अंग्रेज़ों ने भी ना मतलब ऐसी ऐसी जगह पे ट्रेन पहुँचाई है, ये है अभी हम दार्जिलिंग गए थे जब वहाँ पर हम साथ, सो वहाँ पे हमने देखी थी। शौकीन आदमी थे नहीं उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे ट्रेन अलग ऐसा कुछ रोड है काफ़ी है, पर अंग्रेज़ी का नहीं ट्रेन पहुँचाएंगे ना, वो बात तो अलग है कि हमारा ही पैसा, हमारा ही लेबर और हमारा ही सब कुछ यूज़ करके उन्होंने बनाया, इट्स जस्ट कि थोड़ा दिमाग उनका था
और उन्होंने बनाने का उनको लगा कि हमें बनानी चाहिए वरना हम तो शायद ना बनाते, पर हाँ ये हमारी चीज़ों को यूज़ करके, पर एटलीस्ट ये है कि हमारे लिए अब है वो चीज़ हम भी यूज़ कर रहे हैं। और इस वन ऑफ वेरी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ये जो ट्रेन है, और विंटर्स में तो मैंने फ़ोटोज़ देखी, मैंने करा नहीं है कि पूरी बर्फ़ बर्फ़ गिर जाती है ना जब शिमला के आसपास, तो ये ट्रेन जा रही होती है वो बर्फ़ में से, वो अल्टीमेट अल्टीमेट, और ये बहुत धीरे चलती है नेचुरली पहाड़ों में। और ये क्या है, नैरो गेज है, और आई डोंट नो, आई एम श्योर नॉट श्योर नैरो गेज है या मीटर गेज है, मीटर गेज तो नहीं है, नैरो गेज है। तो तीन टाइप के गेज होते हैं, नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। गेज मतलब कि चौड़ाई, तो आजकल जो हमारी नॉर्मल ट्रेन जो आप देखते हो सब कुछ वो ब्रॉड गेज है चौड़ी। उससे पहले मीटर गेज आती थी, मीटर गेज मतलब नॉर्मल गाँवों में कोई लोकल ट्रेन पहुँचानी है तो मीटर गेज लगा देती है, थोड़ी आसान होती है वो गेज लगाने। और नैरो गेज अक्सर पहाड़ों में आपको दिखेगी, क्योंकि नैरो गेज में क्या है बहुत छोटा होता है तो उसको आप ज़्यादा एंगल से घुमा सकते हो, जल्दी वो घूम जाता है, उसका टर्निंग रेडियस कम होता है और उस पर स्लो चलती है, पर आप उसको इधर उधर घुमा सकते हो जल्दी से, तो नैरो गेज होता है। भाई लोगों का सबका ही बड़ा मन था कि चिकन ही खाना, चिकन खाना, चिकन खाना, चलो भाई चिकन ही खाएंगे। पहले इनका प्लान बना कि चंडीगढ़ के अंदर चलते हैं, क्योंकि जो बॉम्बे वाला ग्रुप है वो चंडीगढ़ के अंदर गए हैं, कोई वहाँ होटल रेस्टोरेंट है पावल नाम से, वहाँ का नॉनवेज बहुत बढ़िया है, तो वहाँ पे गए हैं वो। पर हमने क्या है कि हमने सब मतलब, अब वो लोग इतनी दूर से आए तो दे वॉन्ट टू इन्जॉय एवरी थिंग, हम यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट या फेमस चीज़ें हैं, हमने कहा हम सीधे चलते हैं यार, तो हम लोग सीधे आ गए, वो सब वहाँ पर वो इन्जॉय करके पहुँचेंगे रिजॉर्ट। हम कसौली वाले रास्ते पे आ गए हैं पीछे से, आई थिंक इसी में ही होगा कोई होटल रेस्टोरेंट जो उसने बताया होगा। पहाड़ों में आते स्मार्ट हो जाते हैं कुत्ते, नहीं भूटिया आई बेचे, कान के नीचे देखो क्या मतलब, ऐसे ट्विक करके नहीं होते वो, स्टाइल है भाई का, भाई कहाँ हेयर कट करवाया, ओ हेलो भाई साहब, भाई साहब कहाँ करवाया हेयर कट, गजब हेयर कट किया है, गजब गजब हेयर कट है भाई, सॉरी हाँ डिस्टर्ब किया तेरे को, सो रहा था, सॉरी थी, सो रहा था, आई डोंट नो। मुझे लग रहा है रिजॉर्ट पहुंच के इतनी मिलेगा भाई, इसी रिजॉर्ट में आपको डॉनविच बताया था उसने, इसका रेस्टोरेंट का नाम शायद कुछ और हो, और हमें लग रहा हो कि भाई वो ही रेस्टोरेंट है, उसी होटल में पहुंच गया। ठेका शराब अंग्रेजी देसी, सो भैया कसौली में हो सो यहाँ पे वाइन शॉप्स हैं, मतलब हिंदी में उनको ठेका बोलते हैं, थोड़ा सा अजीब सा नहीं होता ठेका, पर ठेका है तो ठेका है, तो वाइन शॉप्स हैं भैया यहाँ पे। और आई रिमेंबर कि यहाँ पे ना वाइन शॉप पे जब मैं लास्ट टाइम आया था भाई साहब बहुत चार्ज करते हैं ये बॉटल के ऊपर, मतलब अगर 200 रुपए की बॉटल है तो आई रिमेंबर कि 250 रुपए 50 रुपए ऐसा था यहाँ पे भाई साहब। एंड अल्कोहल इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, ये बोलना ज़रूरी होता है और एक्चुअल में होता भी है भाई। ओ भाई कहाँ जा रहे हो, होटल ही जा रहे हो, आ गया भाई आ गया, पेट पूजा वाली जगह आ गया। एक बार पूछ लो एक बार है कि नहीं, एक बार पूछ लो आप। क्या उल्लास भाई फोन पे हो क्या,
आज तो इतनी बाइक भी नहीं चलाई, तुम्हें तो मैं ऐसा रौंद के आया हूँ सिक्किम में, ये तो ऐसा लग रहा होगा कि चलो अभी तो ऐसा लगा ब्रेकफास्ट कर। हाँ ब्रेकफास्ट करा भी तो सर, कॉर्नरिंग नेक्स्ट लेवल यार, कहता रहा हूँ 2012 साल से कर रहा हूँ और जब से टायर लगे हैं ना मजा ही आ गया। नहीं नहीं अपोलो। सो भैया डेमोक्रेसी में अभी ये डिसाइड हुआ है कि हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, बस दो मिनट और रुको रुको रुको, जोर मत लगाओ, कंधे में दर्द हो जाएगा, छोड़ दो बाइक को, आप पहले घूमो, उल्टा हो जाओ। हाँ ऐसे पकड़ो नीचे से बाइक, नीचे से, अब मैं भी लगा रहा हूँ, रुको। हाँ चलो, वो तो है ना। हाँ पीछे पे लड़क गए, क्या टूटा? कुछ नहीं टूटेगा, हो गया मत करना। ये सेम चीज मेरी टूटी थी गिर के ऐसे ही सिक्किम में, ये तिरछा कमली नहीं, ये एग्जैक्टली वो देखो टूटा हुआ, उसका सेम चीज ये यहाँ पे, ये कोई बात नहीं, फर्क पड़ेगा, मेरा टूटा हुआ है कब से, कोई बात, मैं बैग में डाल रहा हूँ, डाल दे भाई, चल चल, जब बाइक गिरने लगे ना छोड़ना सीखे, छोड़ दो, कंधा निकल जाएगा। और अभी हम बात कर रहे थे 2 सेकंड पहले बाइक के गिरने की और उसकी और ये सब, और हो गया, नज़र हटी, दुर्घटना घटी। अभी हम ढूंढ रहे थे, आपको बताया वापस जा रहे हैं, वहाँ पे उसने पता किया। वैसे तो जहाँ हम जा रहे हैं रिसोर्ट में, आप सोच रहे हो सर वहाँ भी खा सकते हो, वहाँ भी होगा रेस्टोरेंट, वहाँ भी था, हमने सोचा यार वहाँ तो खाना ही है, अभी एक दो दिन कुछ नया हो जाएगा जाने से पहले, कुछ खा लेंगे कहीं। मॉडर्न ढाबा यो, आ जाओ भाई आ जाओ, सारे साथ ही चलेंगे। सो भैया वहाँ से निकल गए हम, और खाना वैल्यू ऑफ मनी तो बहुत था, सही बताऊँ, बिल हमने खाया 7-8 जनों ने, और बेल के हमने चिकन ये डिश, चिकन की वो डिश, चिकन की ये डिश, काफ़ी कुछ मंगाया था, और बिल आया हमारा 3200 7-8 लोगों का, और कोल्ड ड्रिंक भी थी, चाय भी थी, पर खाना एवरेज था, बेकार नहीं था और बहुत अच्छा भी नहीं था, और बस गुड, मतलब गुड में कैटेगरी में मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और अच्छा बाहर की सिटिंग भी थी, अगर आपको बाहर बैठना है तो आप बाहर बैठ सकते हो, अंदर बैठना है अंदर बैठ सकते हो, वैल्यू ऑफ मनी है। बाकी अब आगे बढ़ते हैं, सभी सब साथ चल रहे हैं।
करीबन हम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बाइकर्स हैं अभी एक साथ। मतलब ये भी वेरी नाइस फीलिंग, मतलब सब अपने बाइकर एक साथ चल रहे हैं ना, अमेजिंग। मतलब मैं बहुत कम करता हूँ, इसलिए मैं कभी कभी करता हूँ तो मेरे को बड़ा अभी अच्छा लग रहा है। पर वो ये है कि आप थोड़े बाउंड होते हो, जैसे एक के पीछे एक चल रहे हो। वो यो वुड क्रीक रिजॉर्ट एंड स्पा, चलो 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 सर चलो, उतार नहीं पाऊंगा नीचे। क्यों? पता नहीं, डर लग रहा है। फर्स्ट गियर डालो, फर्स्ट गियर क्लच पे लो और ब्रेक पे पैर रखो और धीरे धीरे चलो, कोई टेंशन नहीं। ब्रेक पे पैर रखो बस, आओ, टेंशन क्यों ले रहे हो, आओ साथ 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 साथ, ये इस पे रखो बस, धीरे 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 धीरे, कहीं नहीं जा रही, बार बार ब्रेक मत मारो, फर्स्ट गियर पे टल के छोड़ दो, धीरे धीरे हल्का हल्का ब्रेक मारते रहो बस, हल्का हल्का, आ जाओ, आओ, हाँ आ जाओ, हैं नहीं, रुको एक मिनट, हैं एक मिनट रुको, आ रहा हूँ मैं। रुको रुको, मैं कह रहा हूँ हम पकड़ लेंगे, आप लाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं आप आगे, बहुत ज़्यादा स्पीड, आगे से पकड़ लेगा, ठीक है। मेरे को ना बहुत स्टीप लग रहा है, फिर दे आप, वो ऐसा लगता है कि जैसे ना बाइक भाग जाएगी और कंट्रोल में नहीं आएगी। कोई नहीं कोई नहीं सर, क्या कर रहा सर, हो रहा है इतनी देर से, अरे कैसे हो, हाँ ये वाला ना, अच्छा आपका है, मैं ले जाता, मैं ले जाता। सो दोस्तों कैसे हो, और हम हैं होटल में, थोड़ा सा रूम आपको दिखा देता हूं मैं, ये हमारा बाथरूम है और बाथरूम में शीशा है, शीशे से बेडरूम दिखता है, इसके पीछे क्या राज है मेरे को पता नहीं, पर एनीवे अच्छा लगता है। सो ये रूम है अपना, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास वुड क्रीक का, आप देख सकते हो, आप देख लो, मुझे क्यों देख रहे हो, ठीक है, अच्छा खासा स्पेशियस रूम है, बढ़िया एकदम, ठीक है। अगर आप जैसे रूम में आते हो, आपको एक्स्ट्रा बेड डलवाना है, तो उसके लिए भी अच्छी जगह है, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा बेड आराम से डल सकता है। कभी कभी क्या होता है, रूम छोटे होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा बेड डालो तो दिक्कत होती है, प्लस यहाँ पे सोफ़ा भी है। सो ये मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी रूम में देखा है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे बढ़िया सी बालकनी है अपनी, लाइन से बालकनीज है, सामने व्यू है, आई थिंक वहाँ पे सनसेट इधर हुआ है, यहाँ पे कहीं इस साइड सनसेट हुआ था। ये पूरी पार्किंग है नीचे, यहाँ पे इनके पास ये मैदान सा भी है, यहाँ पे शायद शादी वादी के फंक्शन, यहाँ पे कुछ भी आप फंक्शन करा सकते हो बड़ा सा। सो गाइस, ये था रूम के बारे में, आपको बता दिया। तो यहाँ पे जो हमारा पैकेज है, वैसे तो यहाँ पता नहीं रूम मेरे को कितने का एग्जैक्टली, मेरे को पूछ लूँगा और आपके स्क्रीन पे नीचे आ जाएगा। पर हमारा क्योंकि हमने ग्रुप बुकिंग करी है, करीबन 44 लोग हैं, हमने काफ़ी रूम्स बुक करे हैं। सो हमें 6500 आई थिंक, 2 nights 3 days का 6500 इंक्लूडिंग ऑल फूड, सो ये हमें पड़ा है यहाँ पे।
प्लान था अभी ड्रोन उड़ाने का, मेरा प्लान था कि ड्रोन उड़ाऊंगा, पर काफ़ी लाइट कम हो गई थी, फिर शॉट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं। होपफुली सुबह, कल सुबह उठ के ड्रोन उड़ाऊंगा और आपको नज़ारे दिखाऊंगा कुछ बढ़िया। ठीक है, यो सो ये अपडेट था। बाकी आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं आप आज के वीडियो में, तो आई थिंक कि यू नो वॉज अ गुड डे एज अ, मेरे को ऐसा लगता है कि व्लॉग के लिए और एज अ ट्रिप, छोटा ट्रिप था, इतनी दूर, आपको पता है कि जब हम जाते हैं तो थोड़ा दूर दूर जाते हैं। सो पर या आई ऑल्सो लाइक डेट टूडे, सो बाय बाय। ये हमारे एडमिन्स हैं, दीज आर द गाइज हु अरेंज्ड एवरीथिंग, द ऑलमाइटी जेसन एंड द निशांत वेसन, जेसन एंड द वेसन। सही, हम होटल में पहुंच गए दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया होटल भाई लोगों ने कराया यहाँ पे वुड क्रीक। अभी तक तो सब कुछ चक्कू है, बाकी वक्त आने में पता चलेगा। एंड आई थिंक हम 40 से ज़्यादा हैं करीबन। कितने हम टोटल अटेंडेंस कितनी है? 44-45 भी करीब है। सो अभी हम जा रहे हैं छत पे, पियेंगे चाय पकौड़े के साथ। दोस्तों ने प्यार से तो रख लिया, लुक भी है सर, क्या बात कर रहे हो, डिटेल से बात नहीं हो रही है, करना पड़ता है नाम पैसा बहुत है गुप्ता जी के पास, बहुत भाई अगले अगले वाले में तू ही है पोस्टर बॉय, घूमेगा राइड गुड वन सिविलाइज्ड, रुक जा रे मेरठ गए मैं यार, बंदे को बोलने दो। हाँ प्लीज, चार घंटे कहीं नहीं गए। हाँ अबे वहीं से खड़ोगे बोल दे, वहीं से बोल दे भाई। So, hello everyone, good evening, and this is Ullas Saran from Noida.